मान लीजिए आज आप अखंड भारत में रह रहे हैं, अब ये अखंड भारत आपको कैसा दिख रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। जी, जी पहले तो मुझे लगता है कि अखंड भारत भी एक उसी प्रकार की कल्पना है जो कई विस्तारवादी देशों ने की थी, और उसके बनने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। और अगर बन भी गया, जैसे आपने कहा कि मान लो एक हमने कल्पना कर ली कि ये सब देश भारत में मर्ज हो गए, तो उसमें लोकतंत्र की क्या जगह होगी? जो अगर हम लोकतांत्रिक अधिकार को रखेंगे तो हमारी पार्लियामेंट कैसी होगी? और पार्लियामेंट के साथ साथ हमारा जो आर्थिक बनावट है उसमें अगर मुसलमानों की संख्या 60 करोड़ के करीब हो जाती है और वो करीब 30% के करीब हो जाते हैं, तो आज जिस प्रकार का उन पर भारत के सीमित क्षेत्र में एक प्रकार से उनका उनके ऊपर जो नीतियां लगाई जा रही हैं, कई बार उनको बायकॉट का कॉल दिया जा रहा है, उनके खिलाफ जो दंगे हुए हैं, उनके खिलाफ जो नफरत फैलाई गई है, उस माहौल में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मामला एक तरफा नहीं रह सकता। और क्योंकि पिछले 30-40 सालों से सांप्रदायिकता ने एक तरफा स्वरूप ले लिया है, आज़ादी के पहले बात और थी कि सांप्रदायिकता दोनों प्रकार के दोनों तरफ से थी और वो काफ़ी खतरनाक थी। वैसे तो इतनी बात है कि ये दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता एकदम खतरनाक है, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बढ़ गई तो मुझे लगता है कि अखंड भारत जिस प्रकार से ये प्रेजेंट कर रहे हैं उस प्रकार की कल्पना में हमारे नागरिक अधिकार, हमारी सामाजिक जीवन, ये सब एकदम काफी बिखर जाएगा और इसमें हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। और उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति ये सपना देखती है, और वो गोलवलकर से शुरू होकर जब उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना रखी तो उसी के साथ साथ उन्होंने ये पूरा हिंदुओं का देश है, ये पूरा अखंड भारत है, तो उससे भी मुसलमान समुदाय के बहुत लोगों को बड़ी समस्या होगी। और एक बात मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर म्यांमार और श्रीलंका को भी मिला दिया तो मेरा विश्वास कीजिए कि बौद्ध लोगों की संख्या भी 15-20 करोड़ के आसपास हो जाएगी, जो एक तीसरी समस्या होगी। जैसे अभी पंजाब में सिखों के बारे में कई बार हो जाता है, अब एक तरफ बौद्ध भी बड़ी संख्या में हो जाएंगे जो मूल तत्व फंडामेंटलिस्ट है, क्योंकि श्रीलंका और म्यांमार दोनों जगह फंडामेंटलिज्म है बुद्धिज्म के नाम पर। तो पहले तो इसको आगे कैसे होना चाहिए, कैसे ये कल्पना को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, मेरी ये सोच है कि अपने ये एक विस्तारवादी ऐसी है कि ये लोगों के बारे में नहीं जी सोचती, ज्यादा जमीन पर हमारा कब्जा हो। जैसे एक तरफ से कहा जा सकता है कि कश्मीर में भी जो नीतियां छोटी मोटे प्रकार पे चल रही हैं वो भी उसी प्रकार का है कि हम कश्मीर के लोगों के बारे में नहीं सोचते, कश्मीर की जमीन के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके जमीन के बारे में सोचेंगे तो मेरे ख्याल से एक तो हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हमने इतने सालों में विकसित किए हैं उस पर एक बहुत रिवर्स गियर में आ जाएंगे। दूसरी तरफ से सामाजिक कलह, अगर आज की परिस्थिति रही तो सामाजिक कलह बहुत बढ़ सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरे ख्याल से हिंदू समाज का होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि ये जी आज जिस प्रकार की परिस्थिति में हम जी रहे हैं और उसमें उस प्रकार के अखंड भारत के बनने में हिंदू समाज को सबसे ज्यादा खतरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।